फॉर ट्रेवल। अब तक आप देखते थे ट्रेवल रिलेटेड वीडियोज जो हम कवर करते थे, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी, जहाँ पर भी हम जाते थे वहाँ का फूड हम लोग ट्राई करते थे, आपको ट्राई नहीं करवाते थे। तो अब से, आज से हम कोशिश करेंगे जिस प्लेस पर भी जाएंगे वहाँ का फूड, वहाँ का स्पेशल जो भी फेमस है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हम आए जबलपुर, और राइट नाउ मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये है जबलपुर की फेमस चौपाटी। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, वेज से लेके नॉन वेज, आइसक्रीम सब कुछ दिख रहा है, इवन चाइनीज़। सो देखते हैं क्या क्या अच्छा ऑप्शन है और खाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है। सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं मद्रास मसाला डोसा, देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट, क्या प्राइसिंग है। तो पहले हम डोसा खाएंगे, उसके बाद हम सैंडविच खाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे और पाव भाजी भी खाई लेते हैं। चलो देखते हैं, पहले तो डोसा बन जाए अपना। ये आया हमारा मसाला डोसा, देखते हैं कैसा टेस्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डोसे की टेस्ट की। जब मैंने टेस्ट करा, आई रियलाइज कि डोसा काफी ज्यादा क्रिस्पी है और अच्छा खासा स्पाइसी भी है। एक और चीज जो बाकी डोसे से डिफरेंट लग रही है मेरे को, आमतौर पर जितने भी आपने डोसे खाए होंगे उनके साथ कभी भी हरी चटनी सर्व नहीं होती है, उसके साथ सांभर और नारियल की चटनी मिलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक हरी चटनी भी सर्व होती है, जो एक अलग ही टेस्ट दे रही होती है। तो गाइस अब दूसरा आइटम ट्राई करने वाले हैं, बॉम्बे पाव भाजी जबलपुर में, देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। और जैसा लोगों से पूछा है तो बताया कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा ऑथेंटिक बॉम्बे वाला टेस्ट है। यही आते हो क्या? फेमस जबलपुर से ही आप लोग? हांडी जी आप बताइए कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है क्या? यहाँ की पाव भाजी लिटरली ज़्यादा टेस्टी लग रही है। हमारी पाव भाजी आ चुकी है, पाव आप देख रहे हो एकदम अमूल बटर में सेके हुए हैं, अच्छे तरीके से क्रिस्प किए हुए हैं, भाजी भी बहुत अच्छी लग रही है। और जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग जो मेरे को लग रहा है यहाँ पे हर चीज़ के साथ, अभी हमने जैसे डोसा खाया तो ये हरी चटनी बहुत अमेजिंग टेस्ट आ रहा है इसका। बाकी इसके साथ शायद ये अचार है, ये लाल चटनी है और थोड़ा प्याज है। तो चलिए खाते देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। बटर का एकदम भरपूर यूज करा है, अच्छे से ब्रेड वेड सेके हुए हैं, अच्छी है। टमाटर का प्रोमिनेंट टेस्ट आ रहा है भाजी में, प्रोमिनेंट टमाटर है, सही है। कंपैरेटिवली पूरा में अगर आप ट्राई करोगे तो सब्जी ज्यादा मिलती है, टमाटर आलू और दिल्ली में मिलती है पाव भाजी। दिल्ली में भाई साहब चलो पाव भाजी, तो पाव भाजी खानी है तो फिर या तो जबलपुर आओ या महाराष्ट्र जाओ, खाने से दिल्ली आओ। सही है, नंबर बैक टू बैक डोसा और पाव भाजी खाने के बाद बहुत हैवी हो गया। अभी हम ट्राई करने वाले हैं अशोक कैफे पे कॉफ़ी, काफ़ी भीड़ लग रही है और काफ़ी नाम सुना है अशोक कैफे का, तो लेट्स ट्राई इट। जबलपुर आओगे एक कॉफ़ी भी मिलेगी बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मुकेश। तो कब से शॉप है आपका? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? और कुछ यहाँ पर कुछ फेमस खाने का? ये पूरा बर्गर ऑर्डर। अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो गाइज ये सामने आपको दिख रहा है अशोका कैफे, फेमस फॉर हॉट कॉफी एंड कोल्ड कॉफी। इफ यू आर इन जबलपुर डू विजिट दिस प्लेस, लिटरली बहुत अच्छा। प्लस पॉइंट ये है कि स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो अगर मतलब आपका 4-5 घंटे का वेटिंग टाइम है, 2 घंटे का भी वेटिंग टाइम है ना, तो आप किसी से भी पूछ लो कि जबलपुर की चौपाटी कहाँ है और फटाफट चौपाटी पे आओ, फुल पेट खा पी के ये कॉफी पी के जाओ आराम से। तो डेफिनेटली डोंट मिस व्हेन यू आर इन जबलपुर। ये काफ़ी फेमस शॉप लग रही है कटलेट की, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है इस पर।
कटलेट ये सेव है। सबसे पहले हरी चटनी, मीठी चटनी डाली है, मीठी चटनी के ऊपर सेव डाला है और साइड में हरी चटनी दी है। एंड देन टेस्ट कर दीजिए, गरम है। कुछ भी खाओ, यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा यम है, बहुत रीजनेबल प्राइस में। ट्राई करा, एक नंबर था। पाव भाजी साइड को थोड़ा 50-50 थी, बट कॉफ़ी नो डाउट, कॉफी आल्सो शो स्टॉपर, कोई तोड़ ही नहीं कॉफ़ी का। और उसके बाद मैडम खा रही है कटलेट, दिखने में बहुत दिन लग रही है, शेप मछली का दे रखा है ना, पर है वेज। चल गया, अभी कुछ और कवर करना है, हो गया। पेट भरा नहीं अभी तक, जबलपुर आओ तो खा के जाओ। वनीला आइसक्रीम 20 rupees में कहीं नहीं देगी। अब विद कोन, एंड लिटरली इट्स यम, इट्स एक्चुअली यम। सो गाइस, वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हिट दैट रेड कलर सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए हमारी सभी वीडियो का। एंड गाइस, ये हमने पहली बार कुछ ऐसा ट्राई किया है कि ट्रैवल के साथ फूड का भी हमें ब्लॉग लिया है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए एंड बताइए कि आप ये चाहते हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम और भी चीज़ें कवर करेंगे, ट्राई करेंगे। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का फूड भी कवर करें और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप वहाँ जाइए, क्या बोलते हैं, काका दावेली बहुत है। दावेली यही पास में है क्या? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स के बगल में। ठीक है, अभी जाते हैं। गुजरात की बहुत अच्छी, आपको सिविक सेंटर पर मिलने के बाद। वाओ, थैंक यू सो मच, अभी जा रहे हैं। इससे उसको भी मैं अब तक नहीं।